Hello and welcome back. I'm Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज मैं आपको एक बहुत ही यूनिक और स्पेशल केस दिखाने वाला हूँ. कैटरैक्ट या मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद पेशेंट बहुत ज्यादा दुखी हो गए. वो दुखी इसलिए हो गए क्योंकि उनकी एक आंख में डाल दिया गया मोनोफोकल लेंस मोतियाबिंद के ऑपरेशन में और दूसरी आंख में डाल दिया गया मल्टीफोकल लेंस. तो एक आंख में एक डिजाइन का लेंस डाल दिया, दूसरी आंख में दूसरा डिजाइन का लेंस डाल दिया. अब देखिए, ये कुछ इस तरह की बात हो गई कि एक पैर में चप्पल पहन ली, एक पैर में जूता पहन लिया. हम चल तो लेंगे लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस खराब होगा. इसलिए जब पेशेंट की एक आंख में मोनोफोकल डाला और दूसरी आंख में मल्टीफोकल डाल दिया और पेशेंट के प्रोफेशन के बारे में नहीं पूछा गया कि पेशेंट एक टैक्सी ड्राइवर है, उनको रात को भी गाड़ी चलानी होगी, तो पेशेंट अपने काम बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए. उन्होंने जगह जगह पे दिखाया और हर जगह उनको ये बोल दिया गया कि एक बारी मोतियाबिंद में आंख में लेंस डल गया, अब उसको नहीं निकाला जा सकता, अब पूरी लाइफ ऐसे ही जीना पड़ेगा. तो पेशेंट काफी परेशान होकर हमारे हॉस्पिटल में आया एंड हमने सारा चेक करके पेशेंट को एडवाइस करा कि इस आंख में क्योंकि मोनोफोकल लेंस डला हुआ है तो हम बाय डिफॉल्ट दूसरी आंख को मल्टीफोकल लेंस को निकाल के मोनोफोकल लेंस को डाल देंगे, जिससे दोनों आंखें फिर से बराबर हो जाएंगी एंड पेशेंट अपने काम में दोबारा कंफर्टेबल हो जाएगा. इस वीडियो से मैं आपको मैसेज ये देना चाहता हूं कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में हमारा यूजुअली एफर्ट होता है कि दोनों आंखों में सेम डिजाइन का लेंस डला जाए. तो एक में मोनोफोकल अगर डला है ऑपरेशन में तो दूसरे में मोनोफोकल डलना चाहिए. एक में ईड ऑफ कैटेगरी का डला है तो दूसरे में ईड ऑफ कैटेगरी डलना चाहिए. एक में मल्टीफोकल डला है तो दूसरे में भी मल्टीफोकल डलना चाहिए. लेकिन कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, जब हमने ऑपरेशन कराया था तो उस टाइम तो ये सब ईड ऑफ वाले लेंसेज अवेलेबल नहीं थे, तो हमने मोनोफोकल डलवा लिया, तो क्या दूसरी आंख में 100% सेम डलवाना पड़ेगा या दूसरा कोई ऑप्शन हो सकता है? देखिए, मोनोफोकल लेंस और ईड ऑफ लेंस, जैसे मैंने आपको बताया है, तीन तरह के लेंसेज होते हैं, मोनोफोकल, ईड ऑफ एंड मल्टीफोकल. तो मोनोफोकल और ईड ऑफ ये कॉम्बिनेशन फिर भी एक्सेप्टेबल है, पेशेंट कंफर्टेबल रहता है. लेकिन एक में मोनोफोकल या ईड ऑफ और दूसरे में अगर मल्टीफोकल डाल दिया तो पेशेंट बहुत परेशान हो जाएगा. तो आज का केस यही है जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा था. पेशेंट की एक आंख में मोनोफोकल लेंस डला है, जो लेफ्ट आंख है उसमें आई हैंड्स लेंस डला हुआ है ऑलरेडी. तो अब हम दूसरी आंख में जो मल्टीफोकल लेंस डला है उसको निकाल के सेम लेंस आई हैंड्स वाला लेंस ही डाल रहे हैं, जिससे दोनों आंखें बैलेंस हो जाएंगी. हाँ जी सर, मैं हरि सिंह जलंधर से और मैं ड्राइविंग का काम करता हूँ. मेरे मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक महीना पहले ही हुआ था, उसमें मोनोफोकल लेंस डला, दूसरे में मल्टीफोकल डल गया. उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मेरी विजन नहीं बन रही और मुझे रात को भी चलने को बहुत मुश्किल होती थी, जैसे लाइट रिंग बनने और फुलझड़ी जैसे लाइट दिखती है मेरे को. दिन में भी नज़र जड़ी विजन जड़ी है थोड़ी मैली मैली गंदी गंदी जी दिखती है, जिदा साफ नहीं, गंदा शीशा इदा. मैंने और कई हॉस्पिटल अमृतसर, जलंधर, चंडीगढ़, पीजी में भी दिखाया, उन्होंने मतलब कि बताया रिस्क है, ये आंख का दोबारा ऑपरेट नहीं हो सकता, नजर भी जा सकती है आपकी. इधर से आज ये लेंस निकलवा कर मैं दूसरा लेंस डलवा रहा हूँ. सो हेयर इज अनदर केस ऑफ मल्टीफोकल IOL एंड पेशेंट इज हैविंग सिमिलर रिंग्स एंड ग्लेयर एट नाइट. अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस केस इज दैट द पोस्टीरियर सपोर्ट इज ऑल्सो हैज बीन डैमेज्ड बाय लेजर. So we need to be very careful while removing this lens and then implanting another one. और अब ये एक छोटा सा एक main incision हम बना रहे हैं जहाँ से हम इस lens को निकालेंगे और एक दूसरा EDOF lens डालेंगे. तो सबसे पहला step है इस lens को free करना. जो ये bag हमारा इतने साल की सर्जरी के बाद बंद हो जाता है, तो ये बैग खोलना इसमें काफ़ी क्रिटिकल स्टेप है. तो देखिए, ये अब एक हैप्टिक हमने फ्री कर लिया है और इसको हम जेंटली ऊपर लेके आएंगे. तो अब ये एक फोरसेप से हम लेंस होल्ड करेंगे. ये बहुत
क्रिटिकल है इस पेशेंट में, बिकॉज इनकी जो पोस्टीरियर सपोर्ट है वो डैमेज है, हाँ, सिंस की देना. सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. ये हमने एक सेगमेंट बाहर निकाल लिया और हमें बड़ा आराम से दूसरी सेगमेंट निकालनी है, कहीं ये जो बैग डैमेज है उसके थ्रू पीछे ना स्लिप हो जाए. और ये देखिए, ये अब दोनों सेगमेंट हमने निकाल लिए हैं. अब हमें इस बैग को प्रिपेयर करना है, जो हमने एक नया लेंस इसमें लगाना है, क्योंकि ये रप्चर्ड है पीछे से, तो इसको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा. ये देखिए, ये एक प्री लोडेड लेंस है और हमने इसमें कुछ नहीं करना, ये एकदम लोड होके आता है और ये सीधा आई के अंदर ही ओपन होगा. बस जेंटली हमने, ये देखिए, अब ये आई के अंदर हमने डाला है, क्योंकि इस आई में पोस्टीरियर सपोर्ट वीक है, इसलिए इसको हम पहले इंटीरियर चेंबर में ओपन कर रहे हैं और फिर बाद में इसको हम पोजीशन करेंगे. ये एक हैप्टिक हमने पोजीशन कर दिया है और ये सेकंड हैप्टिक की अब पोजीशन कर दिया है. एक बार पढ़ते देखते हैं ना कहाँ तक पढ़ पाओगे. हाँ जी, हाँ पढ़िए सर जी. डी जी, टी यू टी वी एच, वेरी गुड. अभी एस जेड पी आर, गुड. अभी के यू एच पी आर ई एस यू, गुड. सी, वेरी गुड. के वी जेड एफ, परफेक्ट. ये लास्ट लाइन, ये लाइन पढ़ पाएंगे आप? पढ़िए लाइन. एफ एफ डी टी, वेरी गुड. एस, गुड. वी सी, परफेक्ट. लास्ट लेटर और पी, परफेक्ट. वो 6x6 लाइन है, ये वाला लाइन. एक बार चीन रखिए. दूसरे दिन मेरे को पता चला अभी मेरा ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ. मैं घबरा आ गया. घबराने के बाद मैं डॉक्टर के कोल गया जिससे ऑपरेशन करवाया था. तो मैंने पूछा, डॉक्टर साहब ये रिंग आ रहे हैं तो मेरे को प्रॉब्लम आ रही है. तो बोला, कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ा टाइम दो, 10-15 दिन, फिर ठीक हो जाएगा. फिर भी ठीक नहीं हुआ. तो उसके बाद मैं फिर गया, फिर बोलता कोई बात नहीं, 1.5 महीने के बाद आपका लेज़र कर देंगे. ऐसे उसने अपना टाइम मतलब कि आगे आगे करता गया. जब मैं फिर 1.5 महीने बाद गया तो बोलता है, एक का लेज़र का मैं 40,000 लूँगा और 40,000 के बाद एक ही बार करूँगा, निगाह सही होती नहीं होती आपके ऊपर है. मैं बहुत घबरा गया, मेरा सारा कामकार बंद हो गया. मतलब कि लाइट मेरे को ऐसे फैलती दिखनी, एक में जैसे HD क्वालिटी, एक में जैसे पुराना कोई टेक्सला TV का कलर है, ऐसे ऐसे ऐसी क्वालिटी थी. ये तो मेरे को अब पता चला कौन सा मल्टी फोकल है और कौन सा मोनोफोकल है. तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो तभी हम बोलते हैं, डॉक्टर साहब अच्छा लेंस डाल दो, हमारा ये काम है. हमको पता नहीं चलता, हम तो विश्वास पर जाते हैं, विश्वास पे हमारा काम ये ख़राब कर दिया. दूर की निगाह पहले बिल्कुल सेट थी और लागे थोड़ी नज़दीक की सी प्रॉब्लम. उन्होंने कहा ऑपरेशन करा लो और ठीक हो जाएगी. लेकिन ऑपरेशन के बाद तो मेरी दूर की निगाह तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई और लागे नज़दीक की निगाह ऐसे मेरे को 6-7 इंच पे पढ़ा के दिखाते थे, देखो आप अखबार पढ़ सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो. मैंने डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब मैं काम यहाँ पे रख के करूँगा कि आगे डिस्टेंस से करूँगा. ऐसे मेरी, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम ही नहीं समझी. और जब मैं और किसी हॉस्पिटल में जाकर चेक करवाता था तो मेरे को चश्मा लगा कर, शीशा लगा कर दिखाते थे, भाई आपकी निगाह ठीक है. लेकिन वो निगाह तो ठीक हो जाती थी, लेकिन उसकी जो लाइट है पुराना मैला शीशा, ऐसी लाइट थी, ऐसी लाइट नहीं बनी थी. तो मैं 2 महीने तो करीब डिप्रेशन में चला गया था. तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाना, कोई बात नहीं, हो गया हो गया. कभी कभी मेरा मन करता था मैं अपना सुसाइड कर लूँ, ऐसी मेरी नौबत आ गई थी. फिर मैं कभी किसी हॉस्पिटल अमृतसर, चंडीगढ़, जलंधर के भी सारे हॉस्पिटल मैंने जा के छान मारे, लेकिन किसी ने हाथ नहीं डाला. तो फिर मैंने इधर आके दिखाया परसों, तो सारे डॉक्टर साहब ने मेरे से बहुत अच्छी तरह मेरा चेकअप किया, सारा स्टाफ ने मेरी बहुत मदद की
और मेरे को बताया भी हो सकता है कल मेरा ऑपरेशन होगा, उससे आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इन सब का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को थोड़ा हौसला दिया और मेरी आँख ठीक हो गई। पहले लाइट देखते सी तो इदा लाइट ना फूल चढ़ी दी तरह, जिदा पटाखे वाली फूल चढ़ी होंगी उस तरह वो फैलती सी, इदा छोटी लाइट भी दिन में भी मतलब कि कोई गड्डी की लाइट आगे से पड़ती थी ना वो भी वैसे फैलती थी, और रात में तो बहुत ज़्यादा फैलती थी। फिर उसके नाल ये वाली साइड मेरी डैमेज भी हो रही थी, जैसे दिमाग से प्रेशर, आँख में दर्द, कान में दर्द, इधर पीछे भी सारे दर्द रहने लग गई थी। फिर मैं इतने हूँ चेक ऑपरेशन करवाया तो हूँ मैं थोड़ा ठीक लगता, मैं हूँ ठीक हो जाना पूरा और अपने काम कार से जाऊँगा। वाहेगुरु का धन्यवाद जो मेरे को इन सारे डॉक्टरों ने मेरी मदद की और मेरा ऑपरेशन किया जी। हेलो हरी जी, आपका ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल है सर, लेंस भी हमने एक्सचेंज कर दिया और नज़र भी आपकी पूरी परफेक्ट आई है 6x6। आप सब कुछ कर सकते हैं सर, जब गाड़ी चलाना है जो करना है आपको कोई टेंशन नहीं लेनी जी। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि हम आपसे दोबारा कब मिल सकते हैं सर? जब आप 2-3 हफ्ते मिल सकते हैं सर, क्योंकि ना सर जब आप नेक्स्ट आएंगे ना तो हम आपको थोड़ा सा पढ़ने का चश्मा देंगे पास का, ठीक है? तो फिर बेशक 10 दिन में मिल लेते हैं, तो मैं आपको चश्मा दे दूंगा, बस उसके बाद आप फ्री हैं अपने लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके जी, और बताइए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो सारे स्टाफ का बहुत धन्यवाद, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। थैंक यू सर। और जोड़ा काम नहीं हो सकता वो सारा आप किया। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके बाय।